चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 सर्कल सीरीज का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ऑलरेडी 2004 में पूछा जा चुका है। बस 2004 में भी ही नहीं, बहुत सारे एग्जाम से पूछा गया। बस आप समझ लो कि एग्जाम का क्वेश्चन एग्जाम में आते रहता है। द रेशियो ऑफ आउटर एंड इनर पेरीमीटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ इज इतना। समझो कि एक सर्कल है, सबसे बड़ा वाला सर्कल, फिर इसके अंदर एक छोटा वाला सर्कल है। ठीक है, तो द रेशियो ऑफ आउटर एंड इनर पेरीमीटर, यानी कि अगर बड़ा वाला सर्कल का पेरीमीटर 2πr है और छोटे वाले सर्कल का 2π, इसको हम बड़ा r कर दे रहे हैं, इसको यहाँ पे छोटा r। ठीक है, छोटा r का मतलब क्या हुआ कि यहाँ छोटे वाले सर्कल का बात हो रहा है और बड़ा r का मतलब इस बड़े वाले सर्कल का बात हो रहा है। इसका जो रेशियो दिया हुआ 23/22 दिया हुआ, यहाँ से आप देखो तो ये कट जाएगा। मैंने जानबूझ के ऐसा पूरा लिखा है, समझ में आए। तो यहाँ पे आर बाई आर क्या हो जाएगा, 23 × 23, 23 × 22। यानी कि आर इज टू आर का रेशियो, ये बड़े वाले से छोटे वाले का रेशियो क्या है, 23 × 22। ठीक है, 22 यानी कि 23x 22x लगा सकते हो, क्योंकि एक फैक्टर है रेशियो में, तो हम लोग एक्स लगा देते हैं क्योंकि इसके बीच में फैक्टर है एग्जैक्ट 23 और 22 नहीं है, ये एक रेशियो में है, तो एक्स एक फैक्टर होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, आगे बोल, इफ द पाथ इज 5 मीटर वाइड। अच्छा, बहुत बढ़िया। आप एक बात बताओ, इसका लेंथ अगर 23x है और इस छोटे वाले का लेंथ 22x है, तो इसके बीच में जो x बचा, इसी का लेंथ क्या बोल रहा है कि 5 मीटर है, क्योंकि 23 ये है और 22 ये है, तो बीच में ये एक ही बचा, इसका लेंथ 5 मीटर है, वाइड है। ठीक है, तो x का वैल्यू पता चल गया। आप क्या पता करना आपको, 5 मीटर वाइड द डायमीटर ऑफ इनर सर्कल, जो डायमीटर है इनर सर्कल का वो क्या हो जाएगा। आप एक बात बताइए, जब x का वैल्यू पता चल गया तो हमें डायमीटर पता चल जाएगा, क्योंकि रेडियस पता चल जाएगा। यहाँ से 22 इंटू करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा ये रेडियस, क्योंकि जो छोटे वाला सर्कल है उसका एक्स का वैल्यू यहाँ पे दे दिया है और ये पूरा रेडियस मालूम चल गया। रेडियस इंटू 2 क्या होता है, डायमीटर, तो 220 विल बी द डायमीटर, ज़्यादा ही हो गया, 220 विल बी डायमीटर ऑफ दिस स्मॉलेस्ट सर्कल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं हम लोग।